केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की ये वही चिट्ठी है जो उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखी। 28 जुलाई को अंग्रेजी में लिखी गई इस चिट्ठी में गडकरी ने लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस से 18% GST हटाने की मांग की। चिट्ठी में गडकरी ने इसे सामाजिक रूप से जरूरी और इंश्योरेंस लेने वालों पर बोझ बताया। मंत्री ने मंत्री को चिट्ठी लिखी तो विपक्ष को मौका मिल गया। खुद मंत्री एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं, कैबिनेट में भी एक दूसरे से बातचीत नहीं होती है, इसीलिए शायद उनको ये चिट्ठी लिखनी पड़ी। अब मुझे लगता है कि अगली श्रृंखला में यह होगा कि निर्मला सीतारमण जी नितिन गडकरी जी को लिखेंगी कि जो नेशनल हाईवेज हैं मुंबई से जुड़े हुए, उन पे पॉटहोल्स कब खत्म होंगे। तो ये तो अभी शुरुआत है, ट्रेलर शुरू हुआ है, पिक्चर अभी अगले साल तक बाकी है। गडकरी जी ने भी जो लेटर लिखा है वो सही कदम है, और उनको मंत्रियों में पहले एक बार तय कर लेना चाहिए कि एक हमारा मत होना चाहिए उनके बीच में। दिखाई दे रहा है, स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है, एक मंत्री एक कर रहा है, दूसरा मंत्री दूसरा बोल रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक मत करके आना चाहिए। विपक्ष गडकरी की चिट्ठी को बीजेपी के भीतर की तनातनी को उजागर करने वाली बता रहा है। वहीं बीजेपी के नेता कह रहे हैं मतभेद जैसा कुछ नहीं है, ये महज एक सुझाव है। ये मतभेद नहीं है, ये मतभेद नहीं है। कहीं कोई बात अगर आई है, गडकरी जी ने अगर रखी है, तो ये एक मंत्री का दूसरे मंत्री को सुझाव हो सकता है। काउंसिल में सभी दलों के लोग हैं, तो इसलिए ये सुझाव तो कोई भी कोई दे सकता है ना। सुझाव में क्या कोई डिफरेंस नहीं है सरकार के अंदर? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में डिफरेंस का कोई मतलब ही नहीं पैदा होता। कम से कम कांग्रेस की तरीके से हमारी पार्टी में एक परिवार का शासन तो नहीं है। विपक्ष पहले से ही बजट को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है, अब गडकरी की चिट्ठी ने उस सवाल को और ज्यादा दम दे दिया है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.